बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समाज को भी ज़रूरत है, हमारे जैसे प्रेमी हैं जो उनको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो कहते हैं कि पिताजी बस 24 घंटे हमारे पास रहें, हमारी आंखों के सामने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। लगातार आपको जनता के बीच ला रहे हैं, उनसे मुलाकात करवा रहे हैं, तो आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कि डेरा सच्चा सौदा में आकर इनको कैसा महसूस होता है, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम। माय नेम इज़ शिल्पा रानी फ्रॉम संगरूर पंजाब से। पिताजी के बारे में कहना बहुत ही कम है, बहुत ही करिश्मे किए पिताजी ने हमारे साथ, बहुत ही हम क्या थे हमें क्या बना दिया। हम पिताजी की शिक्षा पे चलते चलते बहुत ही ज़्यादा हम बढ़ चुके हैं, पिताजी के बस सिमरन ही करते हैं तो पिताजी बहुत ही कुछ दे देते हैं हमें। ऐसा भी नहीं है कि पिताजी के दरबार में आए और हम खाली हाथ जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। मेरे को 20 साल 25 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए, मेरी पूरी फैमिली जुड़ी है, मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, सब उनको सबको 25 साल हो गए जुड़े हुए। बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें विश्वास है, अपने से ज़्यादा हमें पिताजी पर विश्वास है। बस हमें पिताजी से यही अरदास है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे पास दे, रूप में आए और हमें खूब दर्शन दे, अरबों खरबों खुशियाँ दे, पूरी संगत के बीच में आए। जो पिताजी पे गलत इल्ज़ाम लगे हैं हम तो कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हटें, क्योंकि पिताजी को तो सब पता है। पता नहीं पिताजी किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, ये तो पिताजी जानते हैं। पर मैं पिताजी के जितना भी जिनके भी गुण गाओ ना, बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं, आप इतने टाइम से जुड़े हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस तो बता दीजिए। मैं बताती हूँ मेरे लाइफ में क्या आया। जिस दिन मेरी मैरिज थी 2014 में, मेरी मैरिज थी, तो मैं जैसे पिताजी सुबह से शाम को मेरे पिताजी सत्संग कर रहे थे, मैंने अभी पिताजी से मन में ही अरदास की थी कि पिताजी मैं थक गई, आप ना इकट्ठी शादी कर दो। तो पिताजी ने उसी टाइम अलॉसमेंट करा दी, क्यों ना आज हम स्वयंवर किया जाए, क्यों ना नई रीति स्टार्ट की जाए, क्यों ना स्वयंवर किया जाए। मेरे पास तो वहीं पे बैठे बैठे ही मेरे साथ तो यही करिश्मा तो यही हो गया। पिताजी ने कहा क्यों ना आज करिश्मा ये करते हैं कि आज सबके स्वयंवर ही करते हैं, सभी को ये साथ ही शादी करते हैं। पहला करिश्मा तो मेरे साथ ये हुआ, मैंने ग्रीन एस का प्रसाद खा रखा, ग्रीन एस की शादी ड्रेस में मेरी शादी हुई थी। तो पिताजी के पास जब हम गए जयमाला के लिए गए, तो मैंने पिताजी को सलूट किया, मैंने कहा पिताजी आपने मेरे साथ करिश्मा यहीं खड़े खड़े कर दिया। मुझे अब मेरे को तो और बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया, क्योंकि पिताजी को मैंने अभी मन में भी कहा ही था और पिताजी ने नाल दे नाल मेरी करती पूरी। 4 साल पहले मीडिया ने लड़कियों की सुरक्षा के बारे में सवाल उठाए थे, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल, पिताजी ने तो सुरक्षा, पिताजी ने देखो वैश्याओं को अपनी बेटी बनाया, ठीक है, शुभ उन्हें नाम दिया, इतना अच्छा दिया कि पिताजी तो अपनी बेटी, बड़ों को कहते हैं अपनी माता के समान है ना, छोटों को अपने भाई बहनों के समान समझाओ, हम उसी पर चलते आ रहे हैं, कोई वो नहीं है। मीडिया वालों तो अफवाह उड़ानी है, उनको तो करना ही है, क्योंकि पिताजी है ही नहीं ऐसा। पिताजी हर बच्चे को अपनी बेटी मानते हैं, हर बुजुर्ग को अपनी माता मानते आए हैं, हर किसी को मतलब अपना बच्चा मान के ही आए हैं, आगे बढ़ाए हैं और उन्हें शिक्षा देते आए हैं। संत जी ने समाज के भलाई के लिए क्या क्या किया है? पिताजी ने तो बहुत भलाई के कार्य किए हैं। अब देखो जिनके पास ब्लड डोनेट करवाया, पिताजी ने ब्लड डोनेट कराया, सफाई अभियान इतने करवाए, बहुत से कितने जैसे गंगा जैसे शहर, गंगा जैसे यमुना हरिद्वार जैसे शहरों को मतलब इतना सुरक्षा इतनी वो दी, इतनी सफाई करा दी कि उनके तो गुणगाना ही कम है। आज पिताजी की शिक्षा पर चलते हुए हम अपने घर को अपने समाज को इतना साफ़ सुथरा बना रहे हैं ना, जिसका कोई कहना मुश्किल है। समाज को गुरुजी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समाज को भी ज़रूरत है, हमारे जैसे प्रेमी हैं जो उनको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो कहते हैं कि पिताजी बस 24 घंटे हमारे पास रहें, हमारी आंखों के सामने रहें, हमारे दरबार आए, जब पिताजी आए हम तो 24 घंटे दरबार में रहें। बस सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे मैम? आप सरकार से ये अपील करना चाहते हैं जो भी गलत जो कर रहा है उन पे आप ज़्यादा ध्यान दें, उनको पकड़ें, उनके ऊपर केस करें, हमारे पिताजी को दे रूम में हमारे पास जल्दी से जल्दी रहें। जो भी आरोप पिताजी पे लगाए गए हैं बस पिताजी से वो कहते हैं कि छूट जाएं आरोप सारे। थैंक यू मैम। सो देख रहे हैं आप सब लोग कि जनता की बस एक ही मांग है कि उनके गुरुजी जल्दी से उनके बीच में आए। सो ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे साथ देखते रहिए द फैक्ट टाइम। धन्यवाद।